तो हेलो गाइस, राम राम जी। माय नेम इज आरबी और आप देख रहे हैं आरबी गेमिंग चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं खेलने आया हूं पाल वर्ल्ड। और आपने देखा ही था पिछले एपिसोड में हमने पकड़े थे भाई अपने लिए, तो ये एक राइडर पकड़ा था और एक पकड़ा था नाइट विंग। नाइट विंग भी बहुत बढ़िया है भाई साहब मेरे लिए। तो देखो ये नाइट विंग है, ये दो जबरदस्त मैंने पकड़े थे और आगे भी हम करने वाले हैं। पहले तो हमें करना है अपना पाल बॉक्स अपग्रेड। तो मुझे ये देखना है कि इसके अंदर क्या रह गया यार। मैंने फर्नेस बना लिया था, बैरी पार ये बना लिया था, अब हॉट स्प्रिंग रह रहा है। हॉट स्प्रिंग भी आज हम बनाने वाले हैं। तो हॉट स्प्रिंग बनाने के लिए भैया जी, हॉट स्प्रिंग किधर है? ये रहा। हॉट स्प्रिंग के लिए चाहिए हमें स्टोन। स्टोन की कमी पड़ रही है, तो ठीक है हम स्टोन अभी थोड़ा सा तोड़ के लाते हैं। थोड़ा सा स्टोन की कमी पड़ रही है यार, तोड़ ले यार कुछ, तू ही तोड़ ले। मुझे थोड़ा सा स्टोन लेके आना पड़ेगा गाइस, तभी मैं इसको बना सकता हूँ। तो अभी हम निकलते हैं इस साइड में, थोड़ा सा मैं स्टोन लेके आऊंगा। और तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? चल आएगा तो सही, तू थोड़ा काम कराएगा। या इसकी जगह मैं एक दूसरा निकाल लूँ, रुको इसको अंदर रखो। चल तू तोड़ेगा पत्थर, खड़ा मत रह, काम करा। अरे ये खड़ा है, काम कर। यहाँ पे बिना काम के खाना पीना नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ पत्थर यहाँ से निकाल लिया है, चलते हैं वापस। इतने में शायद काम हो जाना चाहिए, और स्प्रिंग बनाना था वो बन जाएगा। ये मेहमत मेरे यहीं पे घूमता रहता है भाई, इसको और कोई काम धंधा नहीं है मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो हॉट स्प्रिंग किस साइड बनाएंगे? रुको पहले तो हॉट स्प्रिंग, अब तो बन जाएगा, तो बन जाएगा। इसको मैं बैक साइड में बनाने वाला हूँ गाइस, यहाँ पर, क्योंकि यही एक जगह है जो मुझे मिली हुई है। या फिर हॉट स्प्रिंग को मैं यहाँ देता हूँ, ठीक है यहाँ पे बनाते हैं गाइस। चलो भाई आ जाओ, कोई मदद कर लो थोड़ी सी। तो गाइस ये भी बन जाएगा, तो हमारा पाल बॉक्स जो है अब अपग्रेड हो जाएगा। और 24 में पाल पकड़ चुका हूँ, 30 की जरूरत है, तो 6 पाल्स और अब मुझे पकड़ने हैं। तो हमारा जो है इंक्रीज हो जाएगा प्लेयर लेवल, ट्यूटोरियल का जो था भाई वो सब पूरा होने वाला है। ये लो भाई कंप्लीट हो गया है इनका, नाव पियो कुछ भी करो भैया, तुम मौज लो भैया, तुम्हारे लिए बना दिया तुम्हारे भाई ने। तो चलते हैं गाइस, थोड़ा सा हमें देखना है पाल बॉक्स को अपग्रेड करना है। तो लेवल 8 पे हमने पाल बॉक्स को अपग्रेड कर दिया है गाइस, हमारा बेस थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ होगा। अब हमें क्या बनाने हैं? डिलॉय पर्क पायलट बेस, ठीक है, मेडिकल वर्क बेंच, ठीक है, हाई क्वालिटी वर्क बेंच। वाओ, अब तो काफी चीजें खुलेंगी, बट ये मुझे नहीं लगता कि अभी खुलेंगी। अगर यहाँ से देखा जाए, ये वाली देखिए अभी बंद पड़ी है, इसको नहीं खोल सकता अभी मैं, क्योंकि मेरा खुद का लेवल जब बढ़ेगा तब मैं इसको खोल सकता हूँ। हाई क्वालिटी वर्क बेंच भी खोलने के लिए अभी मेरे पास सामान नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा अच्छा क्या करेंगे, अभी पहले मुझे खाना पीना एक बार खा लेना है। खाना खा लो, चलो बेटा तुम्हारे को खाना दे दिया, ठीक है। और थोड़ा सामान वापस रखते हैं, सामान ज्यादा है तो ठीक है, खाना खिलाई दिया है, तू वापस आ जा। अब थोड़े से पाल और पकड़ के लाने हैं, तो हमें अब चलना पड़ेगा नई जगह पे, थोड़ा सा और छानबीन करनी है गाइस, थोड़ा सा हमें सामान लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से ही हम फास्ट ट्रेवल करेंगे। मैं जाऊँ कहाँ? यहाँ पे 38 का हमें स्टार नहीं चाहिए, बेसिंग ट्रांसफर। मैं कहाँ चलूँ? यहाँ पर पेंचिन है, यहाँ पे ये है रन फॉरेस्ट। थोड़ा सा मैं किस साइड खोलूँ यार अपने बेस को? मुझे थोड़ा सा खोलना है, मैं सोच रहा हूँ इस साइड से जाके इधर का जो थोड़ा सा खोल के देखता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं फास्ट ट्रेवल में, आ गया हूँ मुझे। अरे सिंडिकेट टावर पहुंच गया मैं गाइस, पिकाचू भी मुझे पकड़ना है। अगर पिकाचू के लिए मुझे चाहिए, पहले पंगे लेके आने पड़ेंगे मुझे फोर्स से, अगर कोई फोर्स। हाँ देखता हूँ, हाँ सिंडिकेट आ गए हैं ठग्स फिर से, इनसे अगर पंगे लेके मैं इसमें घुसूं तो क्या मैं, देखते हैं अब क्या मैं अब ये भाज के घुसूंगा इसके अंदर। तो ये मेरे पीछे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अबे आ जाओ सालो, मैंने तुम्हें मारा है, वो जमा दिया उसने। मुझे लग रहा है इनकी टक्कर, इनकी टक्कर हो जाएगी, मेरे पास तो ये आएगा ही नहीं। अबे कौन मार रहा है? आजा आजा, आ गए आ गए आ गए गाइस। अब हम इस टावर के अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या ग्लिच सच में काम आता है या नहीं, या हम मरी जाते हैं अंदर। तो ज्वाइन करते हैं, अब बस छुप के चलना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, इससे ट्यूटोरियल को मैं स्किप कर दूंगा। आ गए भाई सिंडिकेट में, आ गए पिकाचू, आ गया हूं मैं, बस तू मेरा काम कर दियो। मुझे मत मारियो यार, ग्रिजबोल्ट है इसका नाम गाइस। बट वो लोग नहीं आए अंदर यार, ओए ये क्या हुआ गाइस, वो लोग क्यों नहीं अंदर आए यहाँ पे, मेरा ग्लिच क्यों नहीं हो रहा है भाई, मुझे वापस भागना है। चल बेटे चल निकल, अरे जाने का रास्ता है या नहीं है? मर के जाऊंगा मुझे लग रहा है ऐसा कुछ, मैं मर के जाऊंगा। हे भगवान, यहाँ से निकलना है। भाई साहब मैं गलत आ गया, मैं गलत फंस गया हूँ, यहाँ से मैं वापस भी नहीं जा सकता हूँ गाइस। रुको लड़ना तो पड़ेगा, ओ भाई ओ झटका दे दिया, झटका दे दिया भाई, ये साला मेरे पीछे क्यों पड़ा है।
हाँ उसको मार, मेरे को मत मार। खाना खिला दे। वापिस आ, तू जा। गाइस गलती से यहाँ पे मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मेरा ये वादा तो काम का ही नहीं है। तू कुछ काम कर दे, ये साला मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे भाई भाई ये नहीं मर पाएगा मुझसे। गाइस हंस ले, मेरे पे अच्छा नहीं है अभी, हंस ले तू, कितना हंसेगी। ओए भाई बचा बचा बचा, नहीं मरा वो मेरा बंदा। वापिस आ, खाना खाना भाई। इससे लड़ना अपने बस की बात नहीं है। मैं इसको कैसे ड्रॉप करूं यार, मैं इसको कैसे खत्म करूं ये। अच्छा 6 मिनट तक और लड़ना है मुझे किसी भी तरीके से, ये तो भुगतना पड़ेगा गाइस। आया हूं तो कर दिया, सही है भाई, मार दिया, अच्छी बात है। उनको अंदर आना चाहिए था गाइस, वो लोग साले अंदर क्यों नहीं आए पता नहीं। अरे घर पे फोन किया था, मुझे लग रहा है इसको मार के जाऊंगा तो वो आएंगे पुलिस वाले। वो वाले थोड़े से अलग है मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। एक मिनट गाइस, मुझे वापस से एक बार जाना है, सामान लेके आना है। ठीक है ये हो रहे हैं, ठीक हील हो जाएंगे, रुको ये तो हो जाएंगे। खाना खिलाता हूँ इनको और सामान उठाना है भाई, मेरा सामान बाहर ही मिलेगा। ये ठग्स नहीं आएंगे मेरे पीछे गाइस, मुझे है ना अपने पीछे कोई और लगाना है, आर्मी लगानी पड़ेगी भाई, तब जाके बात बनेगी, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। रुको छोड़ूंगा तो नहीं, रुक जा भाई, इसको ठोकता हूँ। रुको कांगे ये, अबे लड़की इसको मारो साली को। ठीक है वांटेड हो गए हैं, अब मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ, रुको आ गए फास्ट ट्रेवल, अब आएंगे ये, अब आ जाओ। अबे भाग, अब आएंगे भाई साहब ये, अब आई ना रेड, अब सालो। अरे चल मेरे भाई चल, यार ये अब भी नहीं आए ना तो बेइज्जती हो जाएगी गाइस। हाँ आ गए आ गए। अबे ये मेरे पीछे अभी भी पड़े हुए हैं, अबे रेड कराने का फायदा क्या है। भाई कैसे आएंगे, ये बंदा अलग मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो रुक गया है, वो देखो स्टक हो गया वहां पे। क्या चलू मैं, एक मिनट गाइस अब देखते हैं, अगर वो पकड़ा गया आ जाइयो आ जाइयो। गाइस आ गया आ गया, गाइस पकड़ लिया सालो। रुको अभी देखता हूं तुमको बेटा। रुकना ग्रिज बोल्ट आइयो, मरना नहीं है आरबी, आरबी मरना नहीं है बस। भाई साहब देख रहे हो
वो तो मैंने पकड़ ली। अरे यार मार दिया गाइस, मार दिया। चलो कोई नहीं, मारना तो था ही मुझे मरना तो था ही। अब कम से कम साले ये तो खत्म होगी। पर गाइस मैंने ग्रीस बोल्ट शायद आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी चेकिंग करूंगा ग्रीस बोल्ट की, क्या वो मेरे पास आया है। एक मिनट, ये देखो भैया, ये देखो अपना ग्रीस बोल्ट आ गया गाइस। वेल डन गाइस, अपना ग्रीस बोल्ट मैंने कहा था ना लेके रहूंगा, चाहे थोड़ी सी मुझे मेहनत क्यों ना लगी है, पर मैंने इसको ले लिया गाइस। थोड़ा सा मैं सामान उठा के लाता हूँ, अब इसको हील करेंगे। और ये हुई बात, अब हुई कुछ बात, हालांकि धोखेबाजी से किया मैंने, बट किया यार गाइस, मुझे यही चाहिए था, ये मुझे मिल गया। अब चलते हैं घर पे। तो गाइस बेस पे आ चुके हैं। अरे इसको निकालना नहीं है, बेटर इसको निकालो यहाँ से। चल भाई तू इधर आ जा, और ये भी कोई काम नहीं आने वाले खासकर। एक और खुला है तो मैं पानी वाला वो डाल देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा पानी का जो है ना और थोड़ा हो जाएगा। थोड़ा पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, एक मिनट रुको। ऐसा कोई चुनता हूँ जो पानी भी ले और हर चीज करे, तो जैसे कि ये वाटरिंग करेगा सामान भी उठाएगा, तो इसको लगाता हूँ। चल भाई तू आ जा। तो अभी हमारे पास चार है और रात हो गई है, थोड़ा खाना खा लिया जाए। और मेरी नाइटिंग विंग मर गई है, रुको रुको इसको भी तो होल्ड हील करवाना है यार, नाइटिंग मेरी मर गई। ठीक है तू रेस्ट कर 9 मिनट के लिए। हे गाइस अब हम एक बार सोने के लिए जाते हैं पहले। हे गाइस कुछ खुला है, कुछ खोलते हैं। अब मुझे चाहिए, अगर ये मिल जाए तो सैडल मिलेगा, मिल जाएगा भाई, सैडल चाहिए थोड़ा सा। तो ये मैंने खोला है एक तो, और मेटल का नहीं, एक मिनट आर्मर इसको खोलता हूँ। और क्या खोलना चाहिए मुझे, वुडन गेट ये खुलेगा, खुल जाएगा। ठीक है ये सारी चीजें खोल दी हैं, ये अच्छी चीज है भैया। सैडल बनाना है मुझे पहले तो, ताकि मैं अपने इसके ऊपर राइड कर सकूं। मेरे ख्याल से यहाँ से ये तो ठीक है, इसको रिपेयर करेंगे। शील्ड भी मुझे दूसरी चाहिए यार, शील्ड मेरी मजे वाली नहीं है, ये मुझे मजेदार शील्ड नहीं मिल रही है गाइस। तो अब यहाँ से हम बनाएंगे इलेक्ट्रिवा का एक ये, ताकि मैं इसके ऊपर सवारी कर सकूं। अरे कोई आ जाओ हेल्प करा दो, काफी देर लग रही है इसको बनाने में गाइज, पर बन जाएगा गाइज, जल्दी बनाएंगे सैडल बनाएंगे ताकि सवारी कर पाए, मजा आएगा। अब थोड़ा सा तेज तो भागेगा, कम से कम 12 लेवल के होने लग रहे हैं भैया धीरे धीरे। और हमारा राइडर हो चुका है 13 लेवल का, 10 लेवल का हमारे पास पिकाचू है, हालांकि इसको भी अभी बढ़ाना है, बढ़ेगा अभी धीरे धीरे। अरे एक आधा और नहीं आ सकता कोई भाई, ये तो पता नहीं क्या जन्मों में बनेगा। मुझे 4-5 और पकड़ने हैं, फिर उसके बाद देखते हैं गाइस हमारा ये अनलॉक हो जाएगा और अपग्रेड हो जाएगा हमारा प्लेयर। अरे कोई सा तो आ जाओ, सब भैया इतने बिजी चल रहे। फाइनली बन गया गाइस, बना लिया है, आ जा तू मेरे पास आ। अब एक बार देखना है क्या मैं इसकी सवारी अब कर सकता हूँ, एफ राइड कर सकते हैं। रुक जा बैठा तो ले, अबे साले रुको रुको इसको दूर छोड़ना पड़ेगा, आ जा करा राइड करा। अरे राइड करा दे, रुक जा ये साला राइड ही नहीं करा रहा। ये देखो गाइस अपना बंदा हो गया रेडी, अब देखो अब चले ना हम थोड़ी सी स्पीड में यार, इसका ये यूज करूं, ये देखो मजा आ गया। और ऐसे और स्पीड से जा सकता हूं, यस चलो थोड़ा फास्ट ट्रेवल करेंगे। अब मुझे जाना है सिंडिकेट से आगे, इधर नहीं। 11 लेवल का चिकलेट, इसको पकड़ लूं क्या, ये मिल जाना चाहिए, बट इसके लिए चिकलेट के लिए जाना पड़ेगा कम से कम यहाँ। चलो इसको भी पकड़ते हैं गाइस, चिकलेट अगर मिल जाए, लेवल 11 का है मेरा तो, इतना तो लेवल है ही। बट ये है किधर ये देखना है। हाँ ठीक जा रहा हूँ, चिकलेट आ गए हैं हम, कहाँ है तू, उसको यहीं कहीं होना चाहिए वो रहा। ये देखो कैसा पोकेमोन है, ठीक है चिकलेट को पकड़ेंगे गाइस। और पहले मुझे ये लेना है, यहाँ से बुलाना है और अपना छोड़ूंगा ये वाला सिस्टम।
आ जाइयो नदिया के 330 वापिस आ। देखते हैं देखते हैं, आजा 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 आजा, छोड़ियो नहीं छोड़ियो नहीं छोड़ियो नहीं छोड़ियो नहीं, आ गया गाइस, आ गया है 11 का चिकलेट पकड़ लिया है भाई साहब, 727 हो चुके हैं। ठीक है गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए कहीं, तो हम जाएंगे अब सी फास्ट ट्रेवल, यहाँ पे है ग्रेसी हिल, नहीं 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 इसको नहीं पकड़ना, बेस 23 की है ये, कैटरेस कैटरेस तक तो मैं जा ही नहीं सकता अभी, एलिफेंटा 30 का है नहीं जा सकते, मुझे सोच रहा है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ जाऊँ, सिंडिकेट टावर से थोड़ा सा इधर की साइड चलते हैं गाइस, वहीं चलते हैं, रुको अब मुझे थोड़ा सा आगे जाने की देर है, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, क्या मैं सही जा रहा हूँ, नहीं मैं बैक में जा रहा हूँ, मुझे इधर जाना है, इधर तो कहीं जाना है, इधर इधर से चढ़ पाऊँगा या कूद पाऊँगा, अरे नीचे गिर गया भाई, चलो पैदल चलेंगे अभी तो, ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है चढ़ा, यहाँ पे मुझे भाई देखो छोटे वाले भी दिखे हैं, बट मुझे ये चाहिए, ये कर दी, अरे मार ही दिया इसको नालायक ने, मार दिया यार, यहाँ पे एक है दो है, दो है ये, और ये एक मिनट नीचे उतरियो, नीचे उतर वापिस आ, एरो निकालो, ये वाला पकड़ना है एक, फक ओ ये भी धो दिया, वाह पांडे जी तुमने तो ये भी धो दिया, इसको पकड़ लूं, 5 का है, आ जाइयो नदिया के किनारे, आ जाएगा, छोटे छोटे पकड़ने चाहिए भाई, अच्छे रहता है, एक तो ये पकड़ लिया भाई, 29 हो गए हैं, एक की कमर, एक की कसर है, ओए भाई निकलियो बाहर, ठीक है आजा मेरे दोस्त, मुझे ये भी पकड़ना था यार, चलो कोई नहीं नया पॉइंट देखते हैं कहीं, यहाँ से ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट है जस्ट मेरे सामने शायद, हाँ इस साइड में, चर्च के अंदर आ गए हैं, यहाँ पे है क्या पॉइंट, एक मिनट देखता हूँ, हाँ चर्च के अंदर ही मुझे लग रहा है कि पॉइंट चर्च के, ये रहा मिल गया गाइस, फास्ट ट्रेवल अनलॉक करेंगे, अरे पीछे आ जा बेटा थोड़ा सा, ठीक है इसको भी अनलॉक किया है, यहाँ कुछ तो मिलेगा, यहाँ पे उतर ले, अब थोड़ा मुझे उतरना है, अंदर का सामान देखना है, यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है अच्छा सामान मिला है, इससे कुछ कर सकते हैं, नहीं अभी मेरे पास 3 हुए हैं, और ये एक भी नहीं मिला है मुझे, मुझे लग रहा नहीं है, नहीं मिला कुछ भी, ठीक है अभी मेरे पास इतना ही है, चलो बाहर निकलते हैं, एक और पकड़ लूँ भाई, मेरा जो है ना लेवल ख़त्म वो हो जाएगा, इसको पकड़ लिया, अब पहले ये देखना जाना किधर है, यहाँ पे कौन सा है, 23 किंग पक्का भाई, 23 लेवल का है, नहीं पकड़ा जाएगा, पर चलो फास्ट ट्रेवल करेंगे, इधर ही जाना है, थोड़ा सा इधर का भी मुझे उजागर करना है भैया, रॉकी एग उठाओ, इतनी लंबी छलांग नहीं लगा पाएगा, रुक उतरने दे तू वापिस आ, क्योंकि यहाँ से छलांग मैं ही मारूंगा, मिल गया एक और भालू मिला है, बट साला उधर जाना है, उधर जाऊं कैसे, दो दो हैं, और किंग पाका भी दिख रहा है भाई, अबे कूद क्यों गया नालायक, अरे चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, उतर उतर,
तुम थोड़ा दूर आओ पहले। दोनों लुटका दिए क्या इसने? अरे बेशरम, तुझे शर्म ना आई? दोनों को चीथड़े उड़ा दिए। बताओ एक और था ना यहाँ पे, दो थे यार ये भाई, यहाँ पे दो बंदे थे, ये दोनों ही लुटका दिए इसने, दोनों को लपेट दिया छोरे ने। यार किंग पाका को कर लूँ क्या? 25 लेवल का है, बट मेरा कितना लेवल है? अपनी औकात 13 की है। किंग पाका खाना खिलाओ, एक मिनट रुको। यार 13 लेवल के हैं ये लोग, क्या ये साले सर्वाइव कर पाएंगे? एक मिनट छोड़ के देखूं, लड़ाई करके देखते हैं। चलो आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। भाई एक एक कड़े मैं दे रहा हूं बस। निकाल निकाल, नहीं निकलेगा, नहीं होगा भाई। भाग 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 अरबी भाग। भाई इससे नहीं लड़ सकते हम, उसका बाल भी गया नहीं है भाई। मेरे दो बंदे मर गए देख रहे हो, तो ये घायल हो गया। नहीं ये घायल नहीं हुआ, ये तो बेचारी मर गई। चिलनेट तो मर गई, ये बचा हुआ है। क्या लड़ूं? लड़ूं क्या? एरो कितने हैं? एरो कितने हैं? एरो रुको, अभी तो साला इसका बॉडी पूरा। रुको इसको भेजता हूँ। आ वापिस, भाग भाग भाग। फिर से एक बार जाएंगे दूर भाई, ऐसे करके ही मारूंगा इसको। नाइट विंग और दो आदमी मेरे ठोक दिए भाई इसने, बंदे ने साले ने, शर्म नहीं आती इसको। वहीं रहे वहीं रहे,
भाग 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 फिर से भाग। अरे चल गाय, जैसे ही आना पड़ेगा, धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा डाउन करूंगा। अकेला आदमी भाई क्या क्या करूंगा, इतना ही काम करना बहुत है। अभी हेल्थ मेरे बच्चे की बहुत है। भाई साहब पंगा तो पूरा ले रखा मैंने, ये फंस गया है। तो दे बेटे खाना खिलाओ इसको, ग्रिजबोल्ड खाना खा। भाई धीरे धीरे करके इसको साले को पकड़ ही लेंगे, बट तू मेरा साथ मत छोड़ियो ग्रिजबोल्ट मेरे भाई, ये जाने वाला है साला। भाग, थोड़ा शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, थोड़ा सा मुझे खाना खिलाने दे। खाना ख़त्म भाई साहब, खाना ख़त्म। किंग पाका तेरी साकी नाका, रुक जा। बचा बचा बचा, आएगा आजा यार, आजा भाई मेरे प्यारे भाई। आ गया गाइस, आ गया किंग पाका, पकड़ लिया है गाइस। आजा मेरे दोस्त। गाइस किंग का किन किन काका नहीं, किंग पाका पकड़ लिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा वापस घर की तरफ। किंग पाका ये देखो मैं लाया हूँ क्या, किंग पाका दो मैं नए पकड़ के लाया हूँ गाइस। एक तो कहाँ गया, ये रहा देखो भाई किंग पाका। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, चिल्ड तू निकल, तू अंदर आ। और भी कोई मरा हुआ है, एक ही नाइटिंग मर गई है, इसको भी जिंदा करेंगे।
ठीक है, एक ये लेके आया हूँ, दो मैं लेके आया हूँ पकड़ के, अभी आपको दिखाता हूँ। किंग पाका आ जा थोड़ा सा, ये देखो भैया, ये बंदा आया अपने पास, किंग पाका देख रहे हो, छोरा बड़ा जबरदस्त है, आ जा अंदर। अब इसको भी थोड़ा रेस्ट के लिए छोड़ता हूँ गाइस, और चल तू भी, सभी को मैं अंदर डाल रहा हूँ, अभी थोड़े सब रेस्ट कर लेंगे, जो कोई दिक्कत तकलीफ इनको हो रही है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी गाइस। तो अपग्रेड के लिए मुझे, मेरे पास ही एक बचा हुआ मेडिकल वर्क बेंच, अगर ये बन सका तो, क्योंकि अब टेक्निकल तो पॉइंट तो खुले होंगे, एक मेडिकल वो और बनानी है मुझे, तो मैं चाह रहा हूँ जैसे कि ये मेडिकल वाली बन जाएगी अब, ठीक है। पहले मुझे इसी को बिल्ड करना है, ये लो जी मेडिकल वाली भी गाइस हमने बना ली है, और इसको भी रखते हैं जस्ट यहाँ। आ जाओ भाई गाइस, हेल्प करा दो थोड़ा सा बच्चों। ये लो भाई, ये वाली बेंच भी पूरी हो गई है, अब इसके अंदर हम मेडिसिन वगैरह बना सकते हैं, और अब ये चीज़ें भी हम इससे बना सकते हैं। तो अब मेरा एक और लेवल अप हुआ है, मैं इसको दिखा दूँ आपको। तो यहाँ से मैं अगर अपग्रेड करूँगा तो लेवल 9 पे हमारा बेस चला गया भाई। अब बनाना बिल्ड कूलर बॉक्स और स्पाइनर वर्क बेंच, तो ये नेक्स्ट में बनाने वाले हैं गाइस। लेवल 9 पे हमने ये कर दिया है, और अब एक और पोकेमोन्स को बाहर निकालने की बारी है, तो कौन सा निकाला जाए, ये क्या करेगी, पत्ते चुनेगी, ये सब कुछ कर लेगा। तो मंकी को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, और इसके लिए बेड भी देना पड़ेगा मुझे, इसके लिए एक बेड भी देंगे भाई, ठीक है, लग गया। आ जाओ भाई हेल्प कराओ। ये लो भाई, आज का हमारा सारा काम खत्म हो चुका है, हम एक बढ़िया सा पोकेमोन पकड़ के लेके आई है, वो अभी है नहीं मेरे पास, वो मैंने डाल दिया अंदर। तो गाइस आई होप आज का गेम प्ले भी आपको अच्छा लगा हो, तो गेम को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए, बाय, राम राम जी।